ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू सी डिफेक्ट लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल. सो व्हाट इज डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल? एवरी टाइम वी असाइन बग टू डेवलपर द लाइफ साइकिल ऑफ द बग इज स्टार्टेड एंड एवरी टाइम वी फिक्स दैट बग डेवलपर फिक्स दैट बग एंड एज अ टेस्टर वी क्लोज दैट बग. सो दैट इज द एंडिंग स्टेट ऑफ द बग. सो फ्रॉम असाइनिंग बग और डिफेक्ट टू द डेवलपर टू क्लोजिंग दैट डिफेक्ट देयर आर सो मेनी स्टेजेस विच विल हैपन विद द डिफेक्ट. सो दैट इज़ अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल. डिफेक्ट लाइफ साइकिल मतलब क्या है कि हम लोग जब एक डिफेक्ट जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलता है कोई एरर मिलता है एप्लीकेशन में तो वो हम जब असाइन करते हैं डेवलपर को और उस टाइम से लेके जब भी तक हम क्लोज कर रहे हैं उस डिफेक्ट को तो ये होती है डिफेक्ट की लाइफ साइकिल. तो विद इन अ लाइफ साइकिल एक डिफेक्ट किस किस तरह से किस किस स्टेजेस से गुजरता है वो हम देखेंगे उसे बोला जाता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल. सो डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो नोन एज वर्क लाइफ साइकिल. इट इज़ अ साइकिल ऑफ अ डिफेक्ट विच गोज थ्रू कवरिंग ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन इट्स एंटायर लाइफ. ठीक है कि उस डिफेक्ट का जो लाइफ है वो चालू होता है कि डिफेक्ट लॉक करने से और वो क्लोज करने तक. तो ये जो साइकिल है इसमें बहुत सारे स्टेजेस है तो वो चेक करना मतलब होता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल. दिस स्टार्ट एज सून एज एनी न्यू डिफेक्ट इज फाउंड बाय द टेस्टर एंड कम्स टू एन एंड व्हेन डेवलपर क्लोजेस द डिफेक्ट अज्यूमिंग दैट इट वोंट गेट रिप्रोड्यूस अगेन. ठीक है सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या है कि मुझे कोई नया डिफेक्ट मिला है. ठीक है तो नया डिफेक्ट मिला है तो उसका स्टेटस मैं क्या करूँगा न्यू में डाल दूंगा. सो न्यू स्टेटस क्या होता है जैसे आप यहाँ पे देखोगे मुझे कोई डिफेक्ट मिला है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अ डिफेक्ट इन डिफेक्ट लाइफ साइकिल. व्हेन एनी डिफेक्ट इज फाउंड इट फॉल्स इन अ न्यू स्टेट एंड वैलिडेशंस एंड टेस्टिंग्स आर परफॉर्म ऑन दिस डिफेक्ट इन लेटर स्टेजेस ऑफ द डिफेक्ट लाइफ साइकिल. अभी सबसे पहले आपने जो है वो डिफेक्ट मिला है आपको. ठीक है तो आप लॉक कर रहे हो डिफेक्ट तो जैसे ही आपको कोई डिफेक्ट मिलेगा तो वो हो जाएगा न्यू. ठीक है आप न्यू डिफेक्ट ऐड करते हो न्यू डिफेक्ट हो जाएगा. आप स्टेप्स ऐड करते हो स्टेप्स ऐड करने के बाद आप क्या करते हो उसे स्टेप्स ऐड करने के बाद आप देखते हो कि उसका डिफेक्ट के स्टेटस क्या क्या है. अब जब भी आप ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए हमारे पास ये डिफेक्ट का ये है फाइल है मतलब एक फॉर्मेट है टेम्पलेट है बोल सकते हो. तो ये टाइटल रहेगा डिफेक्ट का जिसे हम लोग बताएंगे कि वो डिफेक्ट का एक्चुअली मीनिंग क्या है डिफेक्ट क्या है. ठीक है दैट इज दिस टाइटल. उसके बाद में स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस मतलब क्या है कि अगर कोई एक डिफेक्ट है तो उसे मुझे किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है दैट इज़ अ स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. मतलब पहली स्टेप क्या है सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप सिक्स स्टेप नाइन्थ स्टेप एट स्टेप मतलब जितने भी स्टेप्स रहेंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे. और उसके बाद में एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि मुझे एक्चुअल रिजल्ट क्या चाहिए था और मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मिल रहा है. ठीक है तो जैसे मुझे एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पे आप देखोगे फाइल अप टू डेट सक्सेसफुली रिजल्ट आ रहा है लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की थी. ठीक है फाइल अप टू डेट सक्सेसफुली वैलिडेशन मैसेज डिस्प्लेड जो कि गलत है. मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए करेक्शन वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए था क्योंकि मैंने इनकरेक्ट डेटा फिल करके सबमिट क्लिक किया था. सो दिस इज द एरर. तो एक डिफेक्ट के लिए हम लोग टाइटल रहेगा स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहेगा. उसी के साथ हम लोग उसका एक स्क्रीनशॉट भी रहेगा ना वो स्क्रीनशॉट भी ऐड करेंगे. स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे उसकी प्रायोरिटी एंड सेवरिटी असाइन करेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. और उसका सीरियसनेस कितना है मतलब वो अपने एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रहा है. अब ये जो है प्रायोरिटी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है. कस्टमर के रिक्वायरमेंट की उसे कितने जल्दी ये सॉल्व करने चाहिए वो होता है प्रायोरिटी. और सिवरिटी मतलब क्या है कि उसके फंक्शनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट. मतलब कोडिंग के ऊपर मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है क्या उसके अंदर दैट इज अ फंक्शनैलिटी. कोड में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर वो फंक्शनैलिटी के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सिवियरिटी. तो ये डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं डेवलपर को असाइन करते हैं. तो असाइन करते वक्त हमारे पास अगर
तुम्हें पता है कि पर्टिकुलर डेवलपर कौन काम कर रहा है उसके ऊपर, उस डिफेक्ट के ऊपर कौन डेवलपर काम करेगा। आपको जैसे पता होता है कि स्प्रिंट में अगर आप काम करोगे तो आपको पता रहेगा कि पर्टिकुलर एक डेवलपर रहेगा वो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो आप पर्टिकुलरली समझो अभी अपने यहाँ पे अमोल है, ठीक है, तो अमोल इसके ऊपर वर्क कर रहा था, तो मैं डायरेक्टली अमोल को असाइन कर सकता हूँ। वो एक डेवलपर है जिसने इसके ऊपर काम किया था, इसके ऊपर फंक्शनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट किया, मतलब वर्क किया था। अगर मुझे अमोल का नाम पता है तो मैं अमोल का डालूंगा, नहीं तो फिर मैं डेवलपमेंट टीम के मैनेजर या फिर टीम लीड को ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैं डेवलपमेंट टीम के मैनेजर को या फिर टीम को असाइन करके ये डिफेक्ट को सेव करूंगा, सेव करने के बाद आपको डायरेक्टली ईमेल आता है, वो डेवलपमेंट टीम को या फिर टेस्टिंग टीम को, मतलब डेवलपमेंट टीम को भी जाएगा और आपको भी आएगा एज अप्रूव करके, क्योंकि इसका जो है हमने स्टेटस चेंज किया है न्यू से लेके असाइन टू। असाइन टू हुआ है तो असाइन किसको हुआ है, वो पर्टिकुलर डेवलपर को या फिर डेवलपमेंट टीम के मैनेजर को। तो डेवलपर को मिला है तो डेवलपर सबसे पहले क्या करेगा, उसको चेक करेगा ये असाइन टू हो गया, उसको असाइन हो गया, ठीक है। तो असाइन में क्या हो रहा है देखो, इन दिस स्टेज अ न्यूली क्रिएटेड डिफेक्ट इज असाइन टू अ डेवलपमेंट टीम फॉर वर्किंग ऑन दैट डिफेक्ट। दिस इज असाइन बाय प्रोजेक्ट लीड और द मैनेजर ऑफ द टेस्टिंग टीम टू अ डेवलपर, ठीक है। तो ये कौन कौन कर सकता है, एक टेस्टर भी कर सकता है, प्रोजेक्ट का लीड भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है, और इसको हम लोग असाइन कर सकते हैं डेवलपर को पर्टिकुलर या फिर डेवलपर टीम के लीड को या फिर मैनेजर को, ठीक है। क्योंकि डिफेक्ट आप असाइन कर रहे हो तो पर्टिकुलरली आपको ही असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, टेस्टर को या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट का लीड भी कर सकता है। इन द सेम मैनर आप वो डिफेक्ट पर्टिकुलर डेवलपर को या फिर सीनियर मेंबर को जो प्रोजेक्ट लीड रहेंगे या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे उनको असाइन करोगे। तो लीड तो काम करना है तो कर सकता है, नहीं तो फिर वो पर्टिकुलर एक डेवलपर को असाइन करके देगा, ठीक है। तो वो स्टेप्स हो गया असाइन टू, ठीक है, पहले न्यू था अभी असाइन में हो गया। उसके बाद में ओपन, थर्ड स्टेटस है इसका ओपन। तो ओपन मतलब क्या है कि वो चेक करके देख रहा है डेवलपर। सो ओपन में क्या हो रहा है, हेयर डेवलपर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डिफेक्ट एंड वर्क ऑन फिक्सिंग इट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डेवलपर ने देख रहा है, डेवलपर चेक कर रहा है कि ये क्या है डिफेक्ट, ठीक है, ये एक्चुअली डिफेक्ट क्या है। तो वो असाइन था, वो अभी वो ओपन कर लिया उसने डिफेक्ट। ओपन मतलब क्या कि वो डेवलपर उसके ऊपर वर्क हो रहा, वर्क कर रहा है, तो एक्चुअली वो चेक कर रहा है कि वो डिफेक्ट क्या है, उसका रूट कॉज, उसका रूट कॉज मतलब प्रॉब्लम क्या आ रहा है। जैसे कि लॉगिन फीचर है, लॉगिन फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी क्यों नहीं वर्क हो रही है, तो इसके चेक करने के लिए वो रूट कॉज देखेगा कि क्या फंक्शनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट है। तो ऑब्वियसली लॉगिन फंक्शनैलिटी नहीं वर्क हो रही है तो वो चेक करेगा, चेक करने के बाद वो अपने एप्लीकेशन कोड फिक्स करेगा, और कोड फिक्स करने के बाद आपने जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क करने लगेगी, ठीक है। तो ओपन में वही होता है कि डेवलपर क्या करता है, वो डिफेक्ट को एनालाइज करने के लिए चेक करता है, उसे फिक्स करता है लगा तो, मतलब उसका अगर फिक्स करने की ज़रूरत लगेगी तो वो क्या करता है, उस कोड को फिक्स करता है। इफ़ द डेवलपर फील्स दैट द डिफेक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट देन इट मे बी गेट ट्रांसफर टू एनी ऑफ द बिलो स्टेजेस, ठीक है। तो उसने ओपन किया, ओपन करने के बाद अगर वो वैलिड डिफेक्ट रहेगा, ठीक है, तो वैलिड डिफेक्ट रहेगा तो वो क्या करेगा, उसे फिक्स करेगा, ठीक है। अगर वो वैलिड डिफेक्ट नहीं है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसके एंड से, तो वो ओपन में से
ये चार स्टेजेस दिख रहे होंगे आपको, डुप्लीकेट, रिजेक्टेड, डिफर्ड एंड नॉट अ स्टेट, नॉट अ बग। इन चार इसमें मूव करेगा, कौन कौन से इसमें? अभी उसने देखा होगा फंक्शन वर्क नहीं कर रही है, उसने वर्क किया, कोड को फिक्स किया, ठीक है। अगर कोई ऐसा डिफेक्ट रहेगा जो वो ओपन करने के बाद उसे लगता है कि ये डिफेक्ट नहीं है या फिर ये गलत है, तो ये चार स्टेटस में चला जाएगा। सबसे पहले क्या है, डुप्लीकेट, इन चारों स्टेटस के लिए कुछ मीनिंग है, ठीक है, वो पता था आपको। डुप्लीकेट नॉट अबव डुप्लीकेट नॉट अबव डिफर्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब क्या है कि जो ये डिफेक्ट है ये दो टेस्टर्स ने ऐड किया है, मतलब डबल हुआ है वो डिफेक्ट, ठीक है। तो डेवलपर किसी भी एक को जो लेटर स्टेज में, मतलब समझो अमोल है और प्रणव है, ठीक है, अमोल एंड प्रणव ने एक ही डिफेक्ट लॉक किया है, मतलब ये डेवलपर है, ये भी टेस्टर है, ये भी टेस्टर है, तो दोनों टेस्टर ने एक ही डिफेक्ट लॉक किया है दो बार, ठीक है। तो अमोल ने सबसे पहले अगर ये किया होगा उस डेवलपर का, इसको असाइन किया होगा या फिर उसने असाइन किया होगा डेवलपर को, क्योंकि प्रणव ने वो सेकंड टाइम किया है तो उसका जो डिफेक्ट है वो डुप्लीकेट मार्क होगा, ठीक है। प्रणव का डिफेक्ट डुप्लीकेट मार्क होगा, तो उसे बोला जाता है डुप्लीकेट। उसके बाद में क्या होता है, रिजेक्टेड, तो आपका जो डिफेक्ट है वो रिजेक्ट मार्क किया है, ठीक है। रिजेक्ट मतलब क्या है, वो डिफेक्ट है लेकिन उसे लगता है कि वो वैलिड डिफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए उसने रिजेक्ट मार्क किया है। उसके बाद में आता है डिफर्ड, डिफर्ड का मीनिंग है वी विल नॉट फिक्स दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट है लेकिन ये डिफेक्ट हम लोग अभी फिक्स नहीं करेंगे, वी विल नॉट फिक्स दिस डिफेक्ट इन दिस स्प्रिंट, वी विल फिक्स दिस इन अपकमिंग रिलीजेस, ठीक है। तो मेरे पास अभी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, तो ये जो डिफेक्ट रहेंगे जो बहुत कम प्रायोरिटी और सेवरिटी वाले रहेंगे, जैसे लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी वाले पे जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं एप्लीकेशन के ऊपर, तो ऐसे अगर डिफेक्ट्स रहेंगे तो उस डिफेक्ट्स के लिए मैं क्या करूँगा, उन्हें लो प्रायोरिटी एंड लो सेवरिटी के ऊपर रखूँगा, और वो लो प्रायोरिटी एंड लो सेवरिटी के डिफेक्ट्स मैं आगे वाले रिलीज में चेंज करूँगा। और अगर वो नॉट अ बग बोल रहा है, ठीक है, नॉट अ बग मतलब क्या होता है कि वो जो डिफेक्ट है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है, वो जो है डिफेक्ट आपने लॉक किया है वो उसको लगता है कि वो रिक्वायरमेंट है, वो डिफेक्ट नहीं है, तो उस टाइम पे वो नॉट अ बग करके दिखाई देगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है लेकिन आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं लगी, आपको वो डिफेक्ट लगा, तो उसके इन से उसे लगता है कि वो बग नहीं है, तो इसलिए उसने नॉट अ बग किया। वो बग है लेकिन उसने रिजेक्ट किया है, और नॉट अ बग मतलब क्या है कि वो रिक्वायरमेंट थी, तो वही रिक्वायरमेंट को आपने बग कंसिडर किया है, तो दैट्स वाई कि वो रिक्वायरमेंट को बग थी ऐसा आपने डिसाइड किया था, तो इसलिए उसने स्टेटस जो है नॉट अ बग किया। डिफर्ड मतलब क्या है, वो नेक्स्ट रिलीज में चेंज करेंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी एंड सेवरिटी लो थी। रिजेक्टेड मतलब डिफेक्ट को रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्टेड मतलब क्या होता है कि आपका जो डिफेक्ट आपने लॉक किया है वो आपके डिफेक्ट को
रिजेक्ट करना है, तो उस टाइम पे आपको पूछ सकते हैं कि आपका अगर इफेक्ट डेवलपर ने रिजेक्ट किया है तो आप उसे कैसे कन्वेंस करोगे कि ये एक डिफेक्ट है। हाउ टू कन्वेंस, हाउ यू विल कन्वेंस कन्वेंस द डेवलपर इट्स अ वैलिड डिफेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उसको फॉर्मेट दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है, अगर फिर भी वो आपके डिफेक्ट को रिजेक्ट कर रहा है तो आपको वन ऑन वन कॉल लेना है उसके साथ, और उसके बताना है कि दिस इज द डिफेक्ट, ये डिफेक्ट है। और आपको अगर यूजर स्टोरीज है आपके पास, अगर रिक्वायरमेंट है सो रिक्वायरमेंट भी शो करनी है आपको उसमें। आपको एनी हाउ उसे क्या करना है, ये डिफेक्ट है कंसीडर करके वो एक्सेप्ट करके लेना है और उसको वो कोड फिक्स करके लेना है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसके साथ वन ऑन वन डिस्कशन लोगे, उसके बाद जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको शो उसको शो करोगे और उसको बताओगे कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ डिफेक्ट। ठीक है, तो इतना करने के बाद स्क्रीनशॉट है हमारे पास, रिक्वायरमेंट है, हमने उसे शो किया और हमने उसे डिफेक्ट किया, फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है, ठीक है, तो हम लोग जा सकते हैं हमारे मैनेजर्स के साथ, हायर अथॉरिटी मैनेजर्स, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ओनर। ठीक है, मैनेजर्स या फिर आप प्रोडक्ट ओनर के साथ जा सकते हो। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, यूजर स्टोरीज जो होती है आपकी, ठीक है, वो लिखता है, ही विल राइट द यूजर स्टोरीज, तो जो कुछ भी यूजर स्टोरी राइट करता है उसे तो उतना नॉलेज होगा, तो उसके साथ से अप्रूव करके लेना है, मतलब उसे हमें वो कॉल में ऐड करेंगे या फिर उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करके हम लोग उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है कि नहीं, कि ये डिफेक्ट है तो ये डिफेक्ट का प्रायोरिटी ऐसा है, तो ये डिफेक्ट है या नहीं क्लियर करेंगे, तो उस मीटिंग में क्लियर हो जाएगा, जिसने भी यूजर स्टोरी लिखा था वो आपका प्रोडक्ट ओनर या फिर आपके मैनेजर के साथ आप कॉल लेके पूछ सकते हो कि ये इशू है तो ये एक प्रॉब्लम है तो इसे कैसे सॉल्व करना है, या फिर यह इशू है या नहीं, तब जाके फिर आपका मैनेजर मतलब जो प्रोडक्ट ओनर है वो बताएगा, तो तब जाके वो डेवलपर को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैनेजर ने बोला है अगर वो डिफेक्ट है तो डेवलपर को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर वो बोल रहा है कि डिफेक्ट नहीं है तो वो फिर रिजेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, सो दैट विल कंसिडर एज अ बैड डिफेक्ट। ठीक है, अभी डेवलपर ने ओपन किया था तो ये चारों में से नहीं हुआ है कुछ भी। ठीक है, उसने देख लिया कि वो कोड में डिफेक्ट था तो उसने फिक्स मार्क कर दिया, तो फिक्स के बाद अपने पास एक स्टेटस आता है पेंडिंग रिटेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है, वो फिक्स मार्क हुआ है, फिक्स के बाद में अपने को रिटेस्ट करना है उसके ऊपर, तो जब भी हम रिटेस्ट करेंगे, रिटेस्टिंग करने के बाद हमें वो एप्लीकेशन में एक तो वो डिफेक्ट फिक्स हो जाएगा, तो वो वेरीफाई करके हम लोग उसे क्लोज मार्क करेंगे या फिर हम लोग उसे रीओपन करके फिर से उस डेवलपर को असाइन करेंगे। अभी रीओपन क्यों करना है, क्योंकि रीटेस्टिंग में पता चला है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ है। ठीक है, वो डिफेक्ट फिर से आ ही रहा है तो वैसे वैसा, तो उस टाइम पे हम उसे रीओपन करेंगे, रीओपन करने के बाद वो फिर से उस डेवलपर को असाइन होगा, फिर से वो ओपन करेगा, फिक्स करेगा, उसके बाद फिर वो पेंडिंग रीटेस्ट में आएगा, फिर उसे रीटेस्ट करके वेरीफाई करके क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक आ गए हम फिक्स तक, तो फिक्स में क्या होगा, फिर डेवलपर ने फिक्स मार्क किया है, पेंडिंग रिटेस्ट में क्या है कि वो डिफेक्ट जो है फिक्स मार्क किया है, आफ्टर फिक्सिंग द डिफेक्ट द डेवलपर असाइन दिस डिफेक्ट टू अ टेस्टर फॉर रीटेस्टिंग, द टेस्टर एट द एंड एंड टिल द टेस्टर वर्क ऑन द रीटेस्टिंग द डिफेक्ट द स्टेट ऑफ द रिमेन पेंडिंग रिटेस्ट।
मतलब डेवलपर ने हमें फिर से असाइन किया है वो डिफेक्ट, मेरा नाम डाल के उसे सेव किया है, तो मुझे एक ईमेल आएगा कि दिस बग इज़ असाइन टू यू। तो हर बग के लिए ना कुछ आईडी होता है, 4 या 5 डिजिट का। तो आपको अगर वो डिफेक्ट का आईडी पता है तो आप आईडी से चेक कर सकते हो उस डिफेक्ट को, जैसे हम बग आईडी बोलते हैं, ठीक है, बग आईडी। तो ऐसा नंबर रहता है कुछ 4-5 डिजिट का, ठीक है। तो वो बग आईडी यूनिक होता है हर के लिए, हर इसके लिए, हर डिफेक्ट के लिए। या फिर आपके पास टाइटल रहेगा तो टाइटल से भी सर्च कर सकते हो आप वो डिफेक्ट, या फिर बग आईडी से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप रिटेस्टिंग के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है, तब तक उसका स्टेटस पेंडिंग रिटेस्ट होता है। जब आप रिटेस्टिंग करोगे तो रिटेस्टिंग में चला जाता है अब तक। एट दिस पॉइंट द टेस्टर स्टार्ट द टास्क ऑफ वर्किंग ऑन द रिटेस्टिंग ऑफ द डिफेक्ट टू वेरीफाई द डिफेक्ट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डेवलपर एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट। तो अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसे हम फिर से रीओपन में चला जाएगा वो इशू डिफेक्ट। इफ एनी इशू परसिस्ट इन द डिफेक्ट देन इट विल बी असाइन टू डेवलपर अगेन फॉर टेस्टिंग एंड द स्टेटस ऑफ द डिफेक्ट चेंज टू रीओपन। वेरीफाई मतलब क्या है कि हमने उस को वेरीफाई किया है, मतलब मैंने टेस्ट किया है और मैं उसे क्लोज कर रहा हूँ। इफ द टेस्टर डज नॉट फाइंड एनी इशू इन द डिफेक्ट आफ्टर बींग असाइन टू द डेवलपर फॉर रीटेस्टिंग एंड ही फील दैट द डिफेक्ट हैज बीन फिक्स्ड एक्यूरेटली देन द स्टेटस ऑफ द डिफेक्ट इज असाइन, मतलब असाइन टू वेरीफाइड। और वेरीफाई के बाद हम लोग जो है उसे क्लोज कर देते हैं उस डिफेक्ट को, क्लोज। वेन द डिफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर देन द चेंजेस टू क्लोज। तो इस तरह से एक डिफेक्ट है वो चेंज होता है, न्यू असाइन, फिर बाद में ओपन करने के बाद वो फिक्स होगा या फिर उसमें डाला जाएगा किसमें से। फिर इसके बाद पेंडिंग रिटेस्ट, जब तक डेवलपर टेस्टर उसको हाथ नहीं लगा था टेस्टिंग के लिए तब तक वो पेंडिंग रिटेस्ट हो जाएगा। जब रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट में पता चला कि वो भी इशू सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसे वो फिर से रीओपन करके डेवलपर को असाइन करेगा, फिर से वो उसे फिक्स करके वो यहाँ पर आएगा। आप चेक करोगे कि वो डेवलपर ने वेरीफाई, मतलब डेवलपर ने फिक्स किया है तो वो अच्छे से चल रहा है, दैट इज़ वेरीफाइड। और क्लोज मतलब क्या है कि उसे हमने क्लोज कर दिया। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे हम लोग डिफेक्ट लॉक करते हैं, और ये होता है इसका लास्ट स्टेज। सो दिस इज अ बग लाइफ साइकिल, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। कैसे कुछ